अक्षय ऊर्जा की केंद्रीय नीति के अनुरूप ग्रिड से जुड़े छत पर लगने वाले सोलर पावर प्लांट द्वारा देश में 40 गीगावाइट बिजली पैदा करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में राज्य सरकार ने भी प्रदेश में अंगीकार करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इसे अपनी सौर ऊर्जा नीति में अधिसूचित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमीरपुर में लोगों को अपनी छत पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए सौर ऊर्जा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा विभाग तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर लोगों को सौर ऊर्जा प्लांट अपनी छत पर लगाने के लिए प्रेरित किया तथा इसके साथ ही मौके पर लोगों को बिजली बोर्ड अधिकारियों द्वारा बिजली लोड के अनुरूप अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिए गए। इस मेले में लोगों ने भारी संख्या में रुचि दिखाई। इस अवसर पर अक्षय ऊर्जा अधिकारी प्रेम दास चौधरी ने बताया कि लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करने के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 70% तथा प्रदेश सरकार द्वारा इस प्लांट को लगाने पर 10% की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे लोग घरों में विद्युत उत्पादन कर सकेंगे तथा सरप्लस विद्युत उत्पादित होने पर बिजली बोर्ड इसे खरीद लेगा। ये सोलर ये लगाया गया है मेला सोलर पे, और इसमें जो है बिजली बोर्ड के सभी अधिकारी आए हुए हैं जो कि एट स्पॉट इसकी ये दे रहे हैं, एनओसीज वगैरह दे रहे हैं। लोग इसको इसके बारे में हम लोगों को जागरूक भी करवा रहे हैं, इसीलिए मेला लगाया गया है। आज बॉय स्कूल हमीरपुर में जो है ग्राउंड में मेला लगाया गया है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बारे में जागरूक किया जाए कि सोलर ग्रिड पावर प्लांट जो है सब लगाएँ और जितना इसमें जो है गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उसका भी फायदा उठाएँ। इसमें जो है 70% सब्सिडी जो है सेंटर की है और 10% सब्सिडी जो है स्टेट गवर्नमेंट की है, और इसमें जो है इसकी फुल कॉस्ट जो है पर किलोवाट 53,150 रुपये है, जबकि इसका जो 30% बनता है बेनिफिशरी शेयर जो है 15,945 रुपये बनता है जी। इसमें एक ही सोलर से जो हमारी बिजली बनेगी वो बिजली बोर्ड को हम दे रहे हैं, और बिजली बोर्ड का जो भी हमारी कंजम्पशन है पर डे जो इसकी 4.5 यूनिट या 5 यूनिट जो है पर डे जो है सोलर से हम निकाल रहे हैं पर किलोवाट से। अभी आज मेले के दौरान अब कितना इसमें ये होते हैं हमारे केस, कितने किलोवाट की आज होती है, पहले भी हमारे कोई 100 किलोवाट लग चुका है यहाँ, और अभी आज मेले के दौरान कितने किलोवाट की हमारे यहाँ अप्रूवल होती है आज, बेनिफिशियरी लोग कितने लोग जो यहाँ पे ये लेते हैं आज अपने एनओसी और कंसेंट लेटर जो लेते हैं। मेले में जानकारी लेने पहुंचे बलदेव धीमान ने बताया कि इससे उन्हें सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की प्रेरणा मिली तथा इसका सभी को फायदा उठाना चाहिए। आज जो ये फेयर लगा है ये हिम ऊर्जा विभाग की तरफ से लगाया गया है, और लोगों को इस बात के लिए अवेयर किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो बिजली का संकट बार बार पैदा होता है उसको दूर करने के लिए क्यों ना सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, और उस सौर ऊर्जा क्षेत्र में हर घर पर पैनल लगें, और घर के लिए जहां बिजली मिलेगी जो फालतू बिजली होगी वो पड़ोसियों के लिए भी काम आएगी और विभाग को भी कुछ राहत मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि सरकार इस वक्त लगभग 70% जो है वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, तो 10% स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है, तो हमारा तो ये किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। 80% सब्सिडी लेकर जो 20% कॉस्ट बैठ रही है उस पर ये सोलर पैनल लगाएं और अपना भी लाभ अर्जित करें और पड़ोसियों को भी लाभ हो बिजली का, और आने वाले समय में जो बिजली की दिक्कत आने वाली है क्योंकि नदियों में पानी कम हो रहा है, हमारे जो ग्लेशियर हैं वो भी सिकुड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में बिजली जिस रेशो में पैदा होती थी वो उस रेशो में आगे पैदा नहीं होगी, तो सौर ऊर्जा का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम भी सभी से ये आग्रह करते हैं कि सारे इस सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे आएं और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। बहुत लाभ भी है, बहुत से लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाई है आज यहाँ पर, जो बिजली का बिल आए थे साथ में तो उनके घर का लोड देखकर सभी कंपनियों ने उन्होंने और विभाग भी साथ में, जो बिजली विभाग है के कर्मचारी अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं, और उस लोड के आधार पर उनको सेंक्शन भी दे रहे हैं, और लोगों ने बहुतों ने यहाँ पर स्वीकृति भी प्रदान की है, और जल्दी शायद उनके घरों पर रूफ टॉप पर ये सोलर पैनल भी लगेंगे। बहुत से लोगों को इसका लाभ हुआ आज फेयर लगने से, एक जहाँ लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई वहीं पर लोगों को ज़्यादा अवेयर करने के लिए भी एक मौका मिला, लोग अवेयर भी हुए, क्योंकि अगर ऐसे मेले लगेंगे तो अवेयरनेस आती है, और इस मेले लगने से डेफिनेटली हमीरपुर में एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो शुरू हुआ है।
इस अवसर पर अपने घर में सौर ऊर्जा प्लांट लगा चुके मनीष ठाकुर ने बताया कि 6 महीने पहले उन्होंने अपने घर में सौर ऊर्जा प्लांट लगाया था, अब उनके घर को बिजली का बिल शून्य ही आ रहा है। मैंने अपने घर पे लगाया, 2 किलोवाट का प्लांट है और अब इसको 6 महीने हो गए चल रहा है और प्रोडक्शन दे रहा है, 10 यूनिट तक एवरेज देता ही है वो, और तब से हमारा बिजली का बिल नहीं आया, शून्य हो गया है बिजली का बिल।